यशोमती मैया के नंदलाला। परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था, जो अपने तन को असहनीय पीड़ा देकर उसमें से एक नए जीव को जन्म देती है, जो अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण करती है, वो एक माँ ही होती है। स्वयं भगवान श्री विष्णु भी माँ की इस ममता से दूर ना रह पाए, विवश हो गए धरती पर अवतार लेने के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कंस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी की शांति नष्ट हो रही है प्रभु, और मैं देवराज इंद्र होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूं, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। वंदे जगत को
कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन हुई प्रभु, हम धन्य हुए प्रभु, किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु, मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है माँ के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं माँ की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं, उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कितना आनंद आएगा जब वो मुझे दंड देने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी और मैं उस डर से सभी दिशाओं में भागता फिरूंगा, और फिर जब वो थककर हाँफते हाँफते रुक जाएगी तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसकी ममता भरी गोद में समा जाऊंगा। प्रश्न है, मां और संतान के अद्भुत रिश्ते के इस आनंद को आप किसके साथ अनुभव करना चाहते हैं? प्रभु, कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी मां के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा, यशोदा, यशोदा। यशोदा आ जाएगो। आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगो। बस 6 महीने का बालक है, अबोध है। हे नारायण, क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंची स्वर में बात कर ली मैंने। किस
किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में कि नंद जी का बालक खो गया है, सुबह सुबह घर से भाग गया है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए। यही सम्मान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगो, कैसा होगो। कितना समय होगा वह, अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे। आप क्यों रुक गए, आप खाओ। हाँ हाँ, आप खाओ, आनंद से खाओ। आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है? क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे? ना ना, आप खाओ, खाओ ना। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा, तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे? लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आई। जाओ शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खाना खा रहे हो ना पति थे। वही तो, मैं खाना खा रहा हूं परंतु वो भूखा है। तुम जाओ। वो तो भूखा है। ये बनेंगी श्री हरि के अगले अवतार की मां। मेरे बच्चे को देखो है? ना। काकी, मेरे बच्चे को देखो है? नहीं नहीं। सुमति, मेरे बच्चे को देखो है क्या कहीं? नहीं तो ना देखो। जानकी, प्रभावती, मेरे बच्चे को देखो है कहीं? कहाँ है तू? देख तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तो फिर भाग गो, प्रतिदिन का काम होगा ये तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। जिस संसार कितना भयानक है कुछ मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। तो लक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने, जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाद के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता। जे क्यों आएगा तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगे फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लपलपाती है इसकी मेरे फूलों के लिए। सुबह सुबह भाग के आ जाता है इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलक्षणा, तुम्हें कछु वहम हुआ है। जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगा भला? अच्छा,
तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जब ही सिद्ध हो जाएगा। रामू मुंह खोल के दिखा। मैया की कही मानते हैं ना, मुंह खोल। रामू सुलचना चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल, मुंह खोल। हाँ हाँ देख लो, इसने कुछ ना खाया है। हाँ हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो। सुलक्षणा मैं नंद देव की पत्नी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए हो सिद्ध। चल रहा, देर हो रही। अरे अरे वैसे रामू जी बहुत बुरी बात है, नंद जी का बालक चोरी कर दो। छी, जो अपनी वस्तु ना है उसे छूते भी ना है, समझ आई? जे करूंगी सुलक्षणा के यहाँ भरी टोकरी बेसन के लड्डू भिजवा दूंगी, प्रसन्न हो जाएगी। ये तो बड़ी चतुर है प्रभु। हाँ प्रभु, और जीवट भी है इनमें। बस यही देखा आप सपने? क्या आपने एक माँ की चिंता नहीं देखी? प्रत्येक मूल्य पर अपनी संतान की रक्षा करने का स्वभाव नहीं देखा? या फिर असत्य भाषण करने पर अपनी भूल सुधारने की व्यग्रता नहीं देखी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं यशोदा क्या है। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्जर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा माँ है। प्रभु माँ यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहां आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर मुझे पुत्र रूप में पाने की मनोकामना के साधना के साथ घोर तपस्या करते रहे करते रहे। अपने तप में वो दोनों इतने लीन थे कि प्रकृति की कोई भी शक्ति उनका ध्यान भंग नहीं कर पाई। किंतु फिर एक दिन
तुम्हारे भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई प्रभु कि अभी तक आपके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। अब तो सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं आपका सुमिरन करते हुए। साचा सुमिरन सबसे हरि का साचा है हरि नाम। साचा सुमिरन सबसे हरि का साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके साचा है हरि नाम। आतुर है आंचल का उपवन सुनने को बैजनिया छुन छुन। मधुर मधुर तुतलाती बोली खेले सम सम आँख में चोली। चाहते हैं आप प्रभु? हम आपकी सेवा करना चाहते हैं परंतु भक्त की भांति नहीं अभी तो माता पिता के समान। आपका एक पुत्र के रूप में पालन पोषण करें, आप हमें माँ पिता के भांति प्रेम दें और हम आप पर अपनी ममता न्योछावर कर सके, बस इतनी ही इच्छा है प्रभु। आपकी इच्छा पूर्ण होगी, मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए
आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूँ। प्रभु, किसी भी जन्म में आपको अपने पुत्र के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा, किंतु मेरी ममता मेरे वश में नहीं है। प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, किंतु मेरे नेत्र आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप को नहीं देख पा रहे। इन्हें तो आप अभी से बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे भीतर उमड़ती ममता की ज्वार का अनुभव कीजिए प्रभु। केवल कल्पना मात्र से मेरा वक्ष स्थल दूध से भरा है, ये गोद तरसने लगी है, मन अभी से लोरिया गाने लगा है। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कीजिए प्रभु, कृपा करें इस माँ से और प्रतीक्षा ना करवाए प्रभु, और प्रतीक्षा ना करवाए। उस पल माता धरा की ममता भरी भक्ति और प्रेम भाव को देखकर मेरे मुख से भी वो शब्द निकल ही पड़ा जिसे एक बच्चा पहली बार बोलना सीखता है। मां, मां, अब ये प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी होगी, मैं भी तरसूंगा आपका पुत्र बनने के लिए, इस समय मैं विवश हूँ कि मैं आपको वचन देता हूँ आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, प्रभु। धरा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वरदान तो सभी भक्तों को मिलता है, परंतु हमें तो हरि का वचन मिला है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अब हमें केवल उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करनी है। अब और प्रतीक्षा नहीं होगी मुझसे। हमने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, ये समझ लो कि वो तपस्या अभी शेष नहीं। श्रीहरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। दो जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और दो जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। धरा की तपस्या का तेज अत्यधिक है। प्रकृति के पंच तत्व, पांचों महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। जठराग्नि सब दूर ये कर दो, अग्नि देव मेरे ताप को हर लो। माता जो वंचित ममता से जग में नहीं उसको कुछ प्यारा।
प्रभु, यदि अग्निदेव अपना अग्नि तत्व वापस ले लेंगे तो इनकी पाचन शक्ति नष्ट हो जाएगी और जीवित रहने के लिए शारीरिक तापमान भी अति आवश्यक होता है। यदि वही विलुप्त हो गया तो धरा, तुम्हें मेरी सौगंध मत करो। ये हे भूमाता आकृति दाता, मिथ्या है ये माटी का ढांचा, माटी मुक्त करो इस तन से जब ना मिला हरि का सहारा। प्रभु, भूत तत्व ही तन को भार देता है, उसके बिना ये तो पूरी तरह से ढह जाएंगी। धरा, धरा, ये क्या हो गया? बस करो अब। प्रभु, कुछ कीजिए। मैं संसार का संचालक हूँ देवी, नियमों का पालन करने के लिए मैं भी बाध्य हूँ। जो वचन मैं पहले ही माता देवकी को दे चुका हूं, यदि मैं चाहूं तो भी उसे तोड़ नहीं सकता। सोख लो आयु सब इस तन की, आस ही जो ना शेष है मन की, वायु प्रभु, प्राण वायु के बिना प्राणों का बचना संभव नहीं। धरा, 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 बस करो अब। क्या तुम अपनी सुध-बुध खो चुकी हो? तुम्हारे प्राणों में मेरे भी प्राण बसते हैं प्रिय। रुक जाओ। हे आकाश देव, तुमको मेरा अंतिम प्रणाम। अंतरात्मा लीन करो तुमने। धरा, कोई है? कोई है? सहायता कीजिए। धरा, जल, धरा, तुम चिंता मत करना, मैं यही हूं। मैं दो क्षण में जल लेकर आता हूं। प्रभु, आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें माँ कहकर पुकारा है, माँ की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जिसकी सीमा कोई ना, कोई आयाम, माँ की ममता के आगे
विवश हुए भगवान, विवश हुए भगवान। जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए। आज तो मैं केवल मूर्छित हुई हूं, किंतु शीघ्र ही यदि मुझे आप पुत्र रूप में ना मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा ना कहो मां, माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। आपने वरदान मांगा था कि आप पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करना चाहती हैं, इसलिए यदि आप उचित समझें तो आप अगले जन्म में ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा, किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा
और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोक से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु एक ही जन्म में दो दो माताओं का पुत्र बनने के लिए उत्साहित भी थे और भावुक भी, किंतु जगत माता श्री लक्ष्मी और अन्य सभी देवगण ये जानना चाहते थे कि श्री हरि ये अभूतपूर्व कार्य कैसे करेंगे। भगवान बोले, ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो और दया उसे तो बिल्कुल नहीं, मार डालो। साधु संत ऋषि मुनि स्त्री वृद्ध, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो, किंतु हाँ यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैर पकड़ लो और अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। अहंकार अहंकार को आड़े मत आने दो। अग्नि शेषम ऋण शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्ये। अर्थात अग्नि की एक भी चिंगारी, ऋण की एक भी मुद्रा और शत्रु की एक भी संतान यदि शेष रह जाए तो शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इन सब का समूल नाश ही एकमात्र उपाय है अपनी सुरक्षा का। इसलिए कहता हूं, साम दाम दंड भेद कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, शत्रु के प्राणों का हरण ही परम उद्देश्य होना चाहिए। छोड़ो मत, फिर चाहे वो
विष्णु ही क्यों ना हो। यही थी कंस की दिनचर्या। वो प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराता था कि स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को तोड़ने में कुछ अनुचित नहीं है। तभी तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी नहीं छोड़ा था। पिताजी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं क्रूर हूं, स्वार्थ में अंधा हो गया हूं, किंतु मैं विवश हूं। आज से सत्ता का ये भार अब मुझे उठाना पड़ेगा पिताजी, क्योंकि आप तो अत्यंत दयावान हैं। अपनी आवश्यकता से अधिक प्रेम आपको अपनी प्रजा से है, किंतु मैं ऐसा नहीं। मैं अपने शत्रुओं का काल हूं, तभी तो मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले मेरे सम्मुख आने से पहले थर थर कांपते हैं। इसलिए मथुरा का राज सिंहासन मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं आपसे अधिक उपयुक्त हूं पिताजी। मेरा विश्वास कीजिए। हृदय पर गोवर्धन पर्वत रखकर मुझे यह निर्णय लेना पड़ रहा है पिताजी। चाबी यमुना में फेंक देना। कोई कितना भी क्रूर कठोर राक्षस ही क्यों ना हो, किसी न किसी के लिए उसके हृदय में भी प्रेम उपजता ही है। कंस भी इस नियम का अपवाद नहीं था। इस संसार में एक जीवात्मा ऐसी भी थी जिसे वो स्वयं से भी अधिक स्नेह करता था, और वो थी उसकी लाडली बहन देवकी। देवकी देवकी के लिए कंस एक राजा नहीं, मात्र भाई था, जो अपनी बहन की छोटी सी मुस्कुराहट के लिए आकाश पाताल एक कर सकता था। अत्यंत धूमधाम से उसने अपनी देवकी का विवाह यादवराज वसुदेव के साथ संपन्न करवाया। रुको, रुको। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मथुरा नरेश हैं? नहीं कुंवर जी, आज मैं मात्र वो भाई हूं जो अपनी प्रिय बहन के साथ बस कुछ क्षण और व्यतीत करना चाहता है। कंस के हृदय में देवकी के लिए उमड़ता प्रेम का सागर तब अचानक सूख गया जब उसने ये आकाशवाणी सुनी। महापापी अत्याचारी कंस, जिस
देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा।